Hey everyone, welcome back to Iram Paradise. And today we are gonna make garlic mushroom. Garlic mushroom banane ja rahe hain. So it is my first attempt. So I don't know how will it come out. Kuch aur meri itni buri aadat hai ingredients bhool jate hain add karna. So let's see ke is dish mein kya blunder karte hain hum aage chal ke. तो हमने ले लिए हैं बटन मशरूम्स, उसको वॉश करके पील करके क्लीन कर लिया है और उसे हम बटन मशरूम को बीच से स्लाइस कर देंगे. ठीक है, तो ये बटन मशरूम्स कट हो गए हैं और जो हमारा गार्लिक है हम इसे ग्रेट कर लेंगे. और गार्लिक हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में लेना है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गार्लिक एंड मशरूम. सो गार्लिक को हम ग्रेट कर लेंगे. जब तक कि गार्लिक ग्रेट हो रहा है यू जस्ट click on subscribe button and hit the bell icon next to it so that you get regular updates from my channel. So here we have mushrooms ready. Then we need butter in this. ये इसका half butter जाएगा, means 50 grams. Then garlic, grated garlic, green chili finely chopped, coriander leaves. This is black pepper powder and this is crushed red chili flakes जो होते हैं वो है. तो दीज आर ऑल द इन्ग्रीडियंट्स दैट वी नीड. इस अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल एड अनियंस ऑल्सो. सो हीट बटर इन अ पैन. आप अपनी कढ़ाई में बटर को थोड़ा हीट कर लीजिए. उसमें थोड़ा अगर आप रिफाइंड ऑयल कोई भी ऑयल ऐड कर देंगे तो बटर जलेगा नहीं. वंस बटर इज हॉट एड अनियन. इसमें मैं दिखाना भूल गई, अनियन डालेंगे. देन आफ्टर सॉटिंग द अनियन फॉर अ वाइल ऐड योर मशरूम्स. देन उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मशरूम्स को टिल द कलर गेट्स चेंज्ड. मशरूम का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा उस लिमिट तक हमें मशरूम्स को फ्राई करना है बटर में. अब इसमें हमने ऐड कर देना है गार्लिक और ग्रीन चिली जो हमारी थी फाइनली चॉप्ड, वो ऐड कर दिया है इसमें हमने. और इसको अच्छे से हम भून लेंगे कि गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए. आफ्टर दैट वी विल ऐड सॉल्ट. सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमने बटर डाला है वो भी सॉल्टी बटर है तो उसमें भी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा कम ही ऐड करें सॉल्ट. उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर एंड देन चिली फ्लेक्स, दैट इज़ आर क्रश्ड रेड चिली. उसको डाल के हम लोग उसे अच्छे से मिक्स करेंगे. एंड देन मुझे क्या लग रहा था जब मैं बना रही थी कि इसमें अगर थोड़ा मटर भी डाल दें तो अच्छा लगेगा. सो हमने इसमें मटर भी डाल दिया था. तो हमने फ्रोज़न वाला मटर यूज़ किया था तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है उसको गलाने में. तो जस्ट उसको पानी में हमने सोख करके रख दिया था. एंड देन आई एडेड इट इन टू दिस. तो हम मटर भी ऐड कर देंगे. पहले हम इसे अच्छे से लिखे मटर ऐड करने से पहले अच्छे से भून लेंगे इसको. देन वी विल ऐड ग्रीन पीज इन टू इट. उसको अच्छे से फिर मिक्स करेंगे एंड उसको कवर करके थोड़ी देर रख देंगे, पकने देंगे लो मीडियम लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे. जो थोड़े बहुत मटर में अगर थोड़ा सा कच्चापन है तो वो पक जाए अच्छे से. तो हम लोग इसे कवर कर देते हैं और पकने देते हैं. ये कितना यमी लग रहा है ना देखने में ही. एंड देन वी विल ऐड कोरिएंडर लीव्स इनटू इट. कोरिएंडर लीव्स एकदम दिल खोल के कोरिएंडर लीव्स ऐड करिएगा बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट टू योर डिश एंड ऑल्सो इट गिव्स अ वेरी फ्रेश अरोमा. खुशबू आती है बहुत अच्छी और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है कोरिएंडर का. सो कोरिएंडर लीव्स एकदम दिल खोल के ऐड करिएगा. देन डिश इट आउट. प्लेटिंग कर लीजिए आप, उसको सजा दीजिए एक धनिया की पत्ती लगा के उसके ऊपर. एंड दैट्स इट, आवर गार्लिक मशरूम इज़ रेडी. इजंट इट ईजी. मतलब हमें तो बहुत ईजी लगी ये रेसिपी एंड खाने में भी अच्छी थी. और दैट्स इट. सो आपको कैसा लगा ये वीडियो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम माई साइड. जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन्जॉय योर सेल्फ.